कॉर्नर में मैक्सिमम कैचेस बनवाता है कवर की, और जो कवर है वो मैक्सिमम कैचेस बनवाता है कॉर्नर की। तो मतलब एक दूसरे का साथ ना हो तो हम अधूरे। मैं पीछे से इसको बोल देता था, अबे तू जा आगे, कोई ना तेरे को हाथ लगाएगा तो मैं अपने आप पकड़ूंगा, तू टेंशन मत ले। मतलब ये कहते मेरी गारंटी है तेरे को टच नहीं लगने दूंगा। मतलब रेडर अगर आगे अटैक करता है मेरे पे तो वो मेरी गारंटी तेरे पे वो नहीं होने दूंगा। अगर रेडर के क्लोज जा रहा होता हूँ तो मेरे को इशारा कर देता हूँ कि मैं क्लोज जा रहा हूँ, तो वाइट पीछे से इशारा करता हूँ कि हाथ पीछे से हाथ रखेगी, तो अपना वाइट कर ले मैं क्लोज जा रहा हूँ। इस कारण हम लोग आपस में खेलने प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि एक दूसरे को सिग्नल देना जरूरी है। जैसे हम तीन चार में ज़्यादा ये इशारे की मतलब बात करते हैं, तीन चार आदमी होते हैं तो मतलब आगे पीछे रेडर नहीं देखता, या आगे जाता या पीछे। सबसे बड़ी ताकत है इसका स्ट्रेंथ, इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ है, एक्सपीरियंस होल्डर प्लेयर है, और काफ़ी अच्छी टेक्निक्स है कैच मारने की, काफ़ी अच्छी मैंने जो मैक्सिमम अभी तक इंडिया बहुत कम प्लेयरों के पास है वो, तो इसके मतलब प्रॉपर डिफेंस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर मार सकते हैं। उसकी ताकत है कि वो जब कवर मारता है ना सामने से तो आदमी की जान निकाल देता है, मतलब पूरे जोर से मारता है, कवर मारता है जब तो सिंगल भी ये बाहर फेंक देता है किसी के लिए। टैकल वजीर सिंह का किया था कैप्टन जो पुनेरी बोल रहे हैं, रन सिंह उसके बैक पे जाके बैठ गया, जैसे किसी घोड़े के ऊपर जैसे बंदा बैठ जाता है उस टाइप के बैठ गया, उसके बाद उसको पीछे खींच दिया, तो वो सिंगल कैच था उसका, उसमें किसी को स्पोर्ट की, इसको स्पोर्ट की जरूरत नहीं थी। हमें इसने जब हम बंगलौर के साथ मैच खेल रहे थे हमारे होम ग्राउंड में जयपुर में, तो इसने मतलब वहाँ पे अजय ठाकर और मंजीत को अच्छी कैच मारी, तो हमारी जैसे पहली जीत थी। सर्दियों में से मेरा मिल्खा सिंह। फेवरेट एक्टर आमिर खान। मेरा भी आमिर खान। फेवरेट एक्टर दीपिका। और मेरी ऐश्वर्या। सच्चा आदमी है, दिल का साफ है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता है, ना बुरा सुनता है, बात मानता है हमारी, जो बोलते हैं सुनता है, कभी कभी इग्नोर भी करता है तो हमें बुरा लगता है, तो बुरी बात ये फ़ोन पे बहुत बात करता है। हाँ तो हम एक दूसरे बहुत खींचते हैं, पूरा दिन खींचते रहते हैं, तब दिन थकते रहते हैं।